यस, आज हमने करना है इंडिया द साउथर्न प्लेटोस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेक पॉइंट। तो फर्स्ट चेक पॉइंट है हमारा नेम द कैपिटल ऑफ झारखंड। बेटा पहली बात तो ये कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है राजधानी। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है, कैपिटल रांची, RANCHI। तो द नेम द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर, BHUBANESHWAR। तो नेक्स्ट है विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो कौन सी सिटी है जिसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं इंडिया की, बेंगलुरु, BENGALURU। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है प्लेटो, ए लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विच इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। बेटा एक लार्ज फ्लैट एरिया होता है लैंड का जो हायर होता है लैंड अराउंड इट, जो इर्द गिर्द लैंड होती है उससे। वाटरफॉल होता है रिवर डेट सडनली फॉल फ्रॉम ए हाइट, एक रिवर जो अचानक सडनली फॉल करती है, पानी गिरता है बहुत ऊंचाई से, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। डैम, ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू स्टोर वाटर। बेटा ये वॉल के टाइप का होता है, जैसे वॉल होती है ना रूम की वैसा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, बुलेट अक्रॉस ए रिवर टू स्टोर वाटर, वाटर स्टोर के लिए। नेक्स्ट है डेकिन ट्रैप, ए पार्ट ऑफ द डेकिन प्लेटो मेड अप ऑफ लावा, जो डेकिन प्लेटो का पार्ट लावा से बना होता है उसको बोलते हैं डेकिन ट्रैप। सीजनल रिवर, द रेन फेड रिवर विच ड्राई अप ड्यूरिंग द नॉन रेनी सीजन। बेटा सीजनल रिवर वो है जो सीजन के अकॉर्डिंग बहती है, मीन वो ड्राई हो जाती है नॉन रेनी सीजन में, जब बारिश नहीं होती। नेक्स्ट है तमाशा, ये क्या है, एक काइंड ऑफ डांस, एक डांस की किस्म है ड्रामे की जो बहुत पॉपुलर है इन महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट हमने करना है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है द साउथर्न प्लेटोस आर रफली रेक्टेंगुलर इन शेप, मीन जो साउथर्न प्लेटो है उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप वो होती है जिसमें ओपोजिट साइड इक्वल होती है, ऐसा नहीं होता, सो इट इज फॉल्स। द साउथर्न प्लेटो कवर अबाउट हाफ ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया, मीन्स ये कवर करता है हाफ एरिया, हाफ ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया, इंडिया का हाफ ऑफ द लैंड एरिया, उसके लैंड का हाफ एरिया कवर करता है, इट इज ट्रू। द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो इसकी जनरल स्लोप है लैंड की वो किधर को होती है, फ्रॉम वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट, ट्रू। द मालवा प्लेटो इज ए पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, जो मालवा प्लेटो है वो डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, इट इज फॉल्स। नर्मदा एंड तपी रिवर फ्लो इन टू द अरेबियन सी, वो कहते हैं कि नर्मदा एंड तपी रिवर फ्लो करती है अरेबियन सी में, इट इज ट्रू। द योगफॉल और इन द नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु, जो योगफॉल है वो नीलगिरी हिल में है, कहाँ है, तमिलनाडु में, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट बेटा हमारी है MCQ। फर्स्ट है विच माउंटेन रेंजेस लाई बिटवीन द नर्मदा एंड टपी रिवर, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो लाई करती है नर्मदा एंड टपी रिवर में, सतपुरा। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है डेक्कन प्लेटो की, गोदावरी। बेटा आपने हमेशा क्या करना है, ऑलवेज टाइम आपने करेक्ट ऑप्शन को रीड करना है, क्योंकि अगर जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो, ये क्वेश्चन है ना, अगर आ जाए ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो, तो आपने अगर लर्न किया होगा करेक्ट ऑप्शन को तो आप इजिली लिख पाओगे गोदावरी, इसलिए आपने ओनली करेक्ट ऑप्शन को माइंड में रखना है। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, कहाँ ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, वो कौन सा त्यौहार है जो बहुत फेमस है तमिलनाडु में, पोंगल। विच इज द फेमस डांस ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र, इनका फेमस डांस ड्रामा कौन सा है, तमाशा। नेक्स्ट बेटा है फिलिप्स, फर्स्ट फिलिप है द डेकिन ट्रैप इज मेड अप ऑफ, जो डेकिन ट्रैप है वो बनता है कौन सी रॉक से, लावा रॉक से। सेकेंड है ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग, जो ब्लैक सॉइल है वो गुड है किसकी ग्रोइंग के लिए, कॉटन के लिए। द हाइएस्ट पीक इन द साउथर्न प्लेटो, जो हाइएस्ट पीक है साउथर्न प्लेटो रीजन की उसको बोलते हैं अनाई मुनि। नेक्स्ट है द हम्पी टेम्पल्स आर इन द डेस्ट स्टेट, जो हम्पी टेम्पल्स है वो कौन सी स्टेट में है, कर्नाटका में। द टाइगर रिजर्व आर इन डैश नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, बेटा वो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क का नेम क्या है। बेटा इसको मैं पहले बताने के पहले मैं आपको लोकेशन ढूंढना बताती हूँ, जैसे इसमें मेन क्या है मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में हमने स्टडी किया, तो आपने सीधा मूव करना है मध्य प्रदेश पे, इट इज कॉल्ड
इट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में आपने देखना है कि टाइगर रिजर्व आर इन कन्हा एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क। KNHA एंड BANDHAVERH इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। बैक एक्सरसाइज को आपने मेन पॉइंट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट एंड सर्कल द सिटी विच इज नॉट इन द गिवन स्टेट। बेटा वो वाली सिटी फाइंड आउट एंड सर्कल द सिटी विच इज नॉट इन द गिवन स्टेट। जो दी गई स्टेट में सिटी नहीं है उसको आपने सर्कल करना है। फाइंड आउट एंड सर्कल द सिटी। फाइंड आउट मीन ढूंढो एंड सर्कल करो सिटी को जो नहीं है, विच इज नॉट इन द गिवन, जो दी गई स्टेट में नहीं है। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर, इन स्टेट में वो कौन सी सिटी है। जैसे मध्य प्रदेश क्या है बेटा, जी स्टेट है, इसमें भोपाल भी आता है, इंदौर भी आता है, ग्वालियर भी आता है, पर रायपुर नहीं आता, तो रायपुर को सर्कल करो। ऐसे नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, इसमें वो कौन सी सिटी है जो नहीं है, उसको सर्कल करो, नाग। ऐसे तमिलनाडु में कोची, चेन्नई, मदुराई एंड थंजावुर, वो कौन सी सिटी है जो तमिलनाडु में नहीं है, कोची। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, जबलपुर, तिरुपति, विशाखापट्टनम, वो कौन सी सिटी है जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, जबलपुर, उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़, भिलाई, रायपुर, जमशेदपुर एंड दुर्ग, वो कौन सी सिटी है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, दुर्ग, तो दुर्ग को सर्कल करना है। बेटा नेक्स्ट आगे हमारे मैच इट। आपने कभी भी मैच इट ऐसे नहीं लर्न करने, 3, 5, 3, 4, 5, 1, 2 ऐसे कभी नहीं करने, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको MCQ या आपकी कोई भी बैक एक्सरसाइज वो थोड़ी घुमाकर डालते हैं। जैसे मैच इट को सीधा सीधा नहीं डालेंगे, हो सकता है कि एक दो मैच इट इधर से उठा लें, एक दो किसी और चैप्टर से, एक दो किसी और चैप्टर से, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 के 5 ही इधर से उठा लें और बट उनको शफल कर दें, जैसे फर्स्ट वाला 5th पे 4th पे ऐसे। तो आपने हमेशा ऐसे रिवाइज करने। पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश। भिलाई में क्या है, स्टील प्लांट। कुनाक कहाँ है, सन टेम्पल। कुनाक में क्या है, सन टेम्पल। महाराष्ट्र में क्या है, अरोरा केव्स। और हैदराबाद में क्या है, चार मीनार। ऐसे बेटा आपने बैक एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।